नमस्कार साथियों, तमाम सभी उन विद्यार्थियों के लिए यह ज़रूरी सूचना है जो वर्तमान में आईटीआई में एडमिशन चाहते हैं। देखिए, कुछ समय पहले आईटीआई के एडमिशंस जो हो रहे थे प्राइवेट आईटीआई कॉलेजों में, वहां पर जो पोर्टल था उसको क्लोज कर दिया गया था, यानी कि आईटीआई एडमिशंस की जो डेट थी वह समाप्त हो चुकी थी, लेकिन वापस से एनसीवीटी के थ्रू पोर्टल को ओपन कर दिया गया है। देखिए, यह सूचना इस लेटर के थ्रू हम आपको बताने वाले हैं। 7/8/2023 का यह लेटर है, जो कि कौशल यानी कि स्किल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग राजस्थान के द्वारा है। ठीक है, अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए हम कहना चाहेंगे कि आप भी अपने कॉलेज में संपर्क कर लें, ताकि आपको अच्छी जानकारी आपके कॉलेज यानी कि आपका जो स्टेट का कॉलेज रहेगा, आपका जो नज़दीकी कॉलेज रहेगा, वह आपको बेहतर सूचना दे पाएगा। ठीक है, वैसे ये पूरे राजस्थान स्टूडेंट्स के लिए हैं। ठीक है, देखिए, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यानी कि आईटीआई में रिक्त रहे स्थानों पर प्रवेश सत्र यानी कि 2023 से 24 वाले और 23 से 25 वाले, ठीक है, एक साल वाली आईटीआई और दो साल की आईटीआई वालों के लिए यह सूचना है। ठीक है, तो देखिए, अभ्यर्थी संबंधित संस्थान से रिक्त स्थानों की सूचना प्राप्त कर राजस्थान सरकार के एकीकृत पोर्टल sso.rajasthan.gov.in अथवा ई मित्र कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म डायरेक्ट एडमिशन भरने की अंतिम तिथि एवं समय, यानी कि अब जो फॉर्म आपके है ना, एडमिशन 28/8/2023 रात के 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आपका एडमिशन्स की लास्ट डेट यहां पर 28/8/2023 दी गई है। तो आप आज ही अपने कॉलेज में संपर्क कर लें। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन्स नहीं हुआ है आईटीआई में, फॉर्म नहीं भराए हैं आईटीआई में, वह अब फॉर्म भर सकते हैं। 28/8/2023 तक अपना फॉर्म वह सभी स्टूडेंट्स भर सकते हैं। ठीक है, देखिए, फॉर्म तो आप ई मित्र से भर दोगे या आपके कॉलेज वाले भी भरते हैं तो वो भर देंगे। ठीक है, भरने के बाद देखिए, अगर आप ई मित्र से भरवाते हैं तो उसके जो हार्ड कॉपी रहेगी, जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, प्रमाण पत्र यानी कि अंक तालिका यानी कि आपका सर्टिफिकेट जो कि 10th का, और मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र इत्यादि जो फोटो प्रति होती है ना। बहुत सारे स्टूडेंट यह भी पूछते हैं कि हमें आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म भरने के लिए, एक तो 10वीं की मार्कशीट चाहिए, है ना, मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए इत्यादि, और फोटो चाहिए, है ना, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके, है ना, ध्यान रखना। और इनको लेकर आप फॉर्म भरवा सकते हैं, और ये हार्ड कॉपी जो इनकी रहेगी उनको आपको, है ना, 29/8/2023 5 बजे तक आपको क्या करना है, कॉलेज में जमा करवाना है। संस्थान में प्राप्त आवेदन पत्रों की संस्थान स्तर पर नियमानुसार मेरिट जारी कर नोटिस बोर्ड पर लगाने की तिथि क्या है, तो यह है, ठीक है, 31/8/2023 तक वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो मेरिट है उसको निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यही थी जानकारी, यानी कि जिनका एडमिशन नहीं हुआ है वो 28/8/2023 से पहले अपना जो फॉर्म है उसको भरवा दे, ठीक है, और अपनी जो हार्ड कॉपी रहेगी उसको कॉलेज में जमा करवा दे। ठीक है, यही थी जानकारी। आपने अगर एडमिशन करवा लिया है तो अपने छोटे मित्रों को इसके बारे में ज़रूर बता दें, जो भी आईटीआई में एडमिशन चाहते हैं। ठीक है, तो इसको ज़रूर शेयर कर देना, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।